अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इम्यूनिटी और उसकी टाइप्स को। इससे पहले लेक्चर में हमने लिम्फेटिक सिस्टम स्टडी किया था और उसमें हमने बात की थी कि लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का पार्ट है और इम्यूनिटी के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है और किस तरह काम करती है। इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा हम पहले पढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पे चैप्टर वन के अंदर हमने इम्यूनिटी की या इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी और इसके अलावा हमने इम्यूनाइजेशन की बात की थी चैप्टर नंबर 5 में, जब हमने कहा था कि हम वायरसेस से बचने के लिए इम्यूनाइजेशन का सहारा लेते हैं। और इसके अलावा हमने चैप्टर नंबर 6 में भी इम्यूनाइजेशन की बात की थी, जब हमने कहा था कि हम बैक्टीरिया से बचने के लिए भी बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन करते हैं। तो इम्यूनिटी क्या होती है, किस चीज़ को हम इम्यूनिटी कहते हैं? बेसिकली बॉडी की सलाहियत के वो फॉरेन मटेरियल्स को रिकग्नाइज कर सके और अपने कुछ सेल्स को या सेल के कुछ सिक्रीशंस वगैरह को इस्तेमाल करते हुए इन फॉरेन मटेरियल्स को रिमूव कर सके, तो ये एबिलिटी इम्यूनिटी कहलाती है। यानी कि अगर इत्तेफाक से कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है तो इम्यूनिटी का काम ये है या इम्यून सिस्टम का काम ये है कि वो उन फॉरेन बैक्टीरिया और या वायरसेस को डिटेक्ट कर लेती है और उनको पहचानती है और अपने सेल्स को या सेल की प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए उन फॉरेन मटेरियल्स को यानी कि वायरसेस या बैक्टीरिया को रिमूव करने का काम करती है। तो ये सिस्टम ये इम्यूनिटी कहलाता है। अब इम्यूनिटी जो है वो आम तौर पे अगर एक दफ़ा आपको उस बैक्टीरिया या वायरस से पहले पाला पड़ चुका है तो दूसरी दफ़ा ये इम्यून सिस्टम जो है वो ज़्यादा एक्टिवली, ज़्यादा इफेक्टिवली और ज़्यादा तेज स्पीड के साथ काम करते हुए उस फॉरेन मटेरियल को रिमूव करने का काम करता है। और ये बेसिकली एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, और बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म दो तरह के हैं, दो तरीके से काम करते हैं। एक तो फिजिकल बैरियर्स हैं पैथोजेंस की, मिसाल के तौर पे हमारी स्किन है या हमारे पेट वगैरह की म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, और इसके अलावा मैक्रोफेजेस हैं। ये जनरलाइज्ड बैरियर्स हैं जो बैक्टीरिया या वायरसेस को हमारी बॉडी में दाखिल नहीं होने देते, या अगर वो दाखिल हो रहे हों तो उनके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, उनको रिमूव करने का काम करते हैं। इसके अलावा इम्यून सिस्टम का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और इसके अलावा एंटीबॉडीज हैं जो मिल के, एक तो सेल्स और एंटीबॉडीज ये मिल के बैक्टीरिया और वायरसेस को रिमूव करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। एंटीबॉडीज बेसिकली स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिनको हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स का नाम दिया था, और ये वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती हैं और एंटीजेंस के रिस्पांस में पैदा होती हैं। और इनका काम ये होता है कि ये एंटीजेंस को डिटेक्ट मार्क कर सकती हैं और उनको बेसिकली बॉडी के दूसरे सेल्स को बताती हैं कि ये चीज़ जो है वो इसको रिमूव कर देना चाहिए। अब एंटीजन, हमने कहा कि एंटीबॉडीज बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं एंटीजेंस के खिलाफ, तो एंटीजन क्या है? एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट या अगेंस्ट, और जेन का मतलब, जेन जो है ये जनरेट से है। तो एंटीजेंस बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जिनको बॉडी रिकग्नाइज कर सकती है कि ये मेरा अपना पार्ट नहीं है, और उनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जा सकती हैं। ये फॉरेन सब्सटेंसेस कोई प्रोटीन भी हो सकती है जो किसी बैक्टीरिया या वायरस की सरफेस के ऊपर मौजूद हो, और ये कोई कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, और इसकी वजह से इसके नतीजे में एंटीबॉडीज को बॉडी प्रोड्यूस करती है हमारी, और इन ये एंटीबॉडीज फिर उस फॉरेन प्रोटीन के साथ या कार्बोहाइड्रेट के साथ जाके जुड़ जाती हैं और उसकी वजह से इसकी रिमूवल हो जाती है बॉडी से। एंटीबॉडीज आती कहाँ से हैं? एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करवाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के एक स्पेशल तरह के सेल्स जिनको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और अब एंटीबॉडीज जो हैं ये डायरेक्टली खुद जाके बैक्टीरिया या वायरस को मारती नहीं है, ये सिर्फ मार्क करने का या पहचानने का काम करती हैं कि ये चीज़ जो है ये फॉरेन एंटीजन है, ये हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है,
और एंटीजेंस जो है वो जाके एंटीबॉडी के साथ जुड़ जा सॉरी एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ जाके जुड़ जाती हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और उसकी वजह से वो सब्सटेंस जो है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो फेगोसाइटोसिस के लिए मार्क हो जाता है कि इसको जल्द अज जल्द यहाँ से फेगोसाइटोसिस के जरिए से रिमूव करना है। अब ब्लड के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मैक्रोफेजेस, हमने बात की थी कि वो घूम फिर रहे होते हैं, पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं पुलिस की तरह, और जैसे ही उनको कोई एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नजर आता है तो मैक्रोफेजेस फौरी तौर पे जाकर उस चीज को एनगल्फ कर लेते हैं और खा जाते हैं। अब एंटीबॉडीज जो हैं ये हाईली स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि जिस चीज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं यूजुअली उसी चीज को जाकर ये मार्क करती हैं। और एंटीबॉडीज जो हैं ये चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल होती हैं, और इसके अंदर दो हैवी चेन्स होती हैं, ये आपको यहाँ पे ये एक लंबी सी चेन ये नजर आ रही है और इसी तरह एक लंबी सी चेन ये है, ये दोनों साइज में काफी लंबी हैं तो इनको हम हैवी चेन्स कहते हैं। और इसके अलावा एक लाइट चेन यहाँ पे है और इसी तरह एक लाइट चेन ये है, तो दो लाइट चेन्स और दो हैवी चेन्स आपस में मिलकर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के जरिए से जुड़े हुए होते हैं, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं बेसिकली एस डैश एस बॉन्ड को, और ये दोनों आगे से अमाइनो एसिड्स के साथ जुड़े हुए होंगे, तो ये डाइसल्फाइड ब्रिज बॉन्ड्स के या डाइसल्फाइड ब्रिजेस के जरिए से ये चारों चेन्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और ये एंटीबॉडीज के ऊपर यहाँ पर इसकी टिप के ऊपर एक वाई शेप में ये अरेंज है, और इनकी टिप जो है वाई के दोनों आर्म्स जो है ये स्पेशल वेरिएबल रीजन्स होते हैं जो कि एंटीजन के साथ बाइंड कर सकते हैं। और ये वेरिएबल रीजन जो है ये हर एंटीबॉडी का अपना अपना स्पेसिफिक होता है, और ये अपनी स्पेसिफिक एंटीजन को ही सिर्फ बाइंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कोई एंटीबॉडी मसलन मम्स वायरस के खिलाफ है तो उसका बाकी सारा पोर्शन जो है, बाकी सारा स्ट्रक्चर, ये सारा स्ट्रक्चर तो तमाम एंटीबॉडीज में सेम है, सिर्फ ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर चेंज होगा और ये स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होगा मम्स वायरस के खिलाफ। इसी तरह अगर कोई दूसरी एंटीबॉडी है तो उसका ये स्ट्रक्चर हो सकता है कि वो टीबी के बैक्टीरियम के खिलाफ हो, कोई तीसरी एंटीबॉडी है तो उसका जो ये वेरिएबल रीजन है वो किसी और बैक्टीरिया या किसी और वायरस के खिलाफ स्पेसिफिक होगा। तो ये जो वेरिएबल रीजन है ये लाइट चेन और हैवी चेन दोनों के टिप्स के मिलने से आपस में बनता है। इसके अलावा तमाम एंटीबॉडीज के अंदर एक कांस्टेंट रीजन होता है जो सब एंटीबॉडीज में सेम होता है। ये तो थी बात एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी की। इसके अलावा एक और इम्यूनिटी की टाइप है जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो लिम्फोसाइट्स की वजह से होती है। लिम्फोसाइट्स हमने बात की थी कि लिम्फ के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, तैर रहे होते हैं और ये बॉडी में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, इनको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और लिम्फोसाइट्स दो तरह के हो सकते हैं। पहली तरह के लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस होते हैं थाइमस के अंदर। थाइमस हमने पढ़ा था कि ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक ऑर्गन है, और इनका काम बेसिकली एंटीजेंस को पहचानना होता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी से रिमूव करने का काम करते हैं। इसके अलावा टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का हमने वर्ड पहले भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, के वहाँ पे हमने बात की थी कि बाज़ दफ़ा जब फॉर एग्जांपल किसी का लीवर या हार्ट वगैरह खराब हो जाता है और हम ऑपरेशन के जरिए से किसी और इंडिविजुअल से हार्ट या लीवर या किडनीज वगैरह लेके लगा देते हैं तो हमारी बॉडी उसको पहचान जाती है कि ये जो ऑर्गन यहाँ पे मौजूद है ये मेरी अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं है बल्कि कहीं और से आया है, और वो उसके खिलाफ उसी तरह से एक्ट करना शुरू कर देती है जिस तरह के वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया या वायरस हो, और उसको वहां से रिमूव करना शुरू कर देती है। आहिस्ता आहिस्ता उसके सेल्स के अगेंस्ट जंग शुरू हो जाती है और वो थोड़े दिनों में ट्रांसप्लांट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन का काम टी लिम्फोसाइट्स करते हैं।
इसको हम सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, बीच में कोई एंटीबॉडीज वगैरह इन्वॉल्व नहीं होती। दूसरी तरह के लिम्फोसाइट्स बी लिम्फोसाइट्स कहलाते हैं, इनको बी लिम्फोसाइट कहते हैं क्योंकि ये बर्सा ऑफ फैब्रिशियस बर्ड्स के अंदर क्लोएका के करीब एक ग्लैंड होता है जिसको बर्सा ऑफ फैब्रिशियस कहते हैं, तो उसके अंदर क्योंकि ये डिस्कवर हुए थे और बाद में ह्यूमंस में और दूसरे वर्टिब्रेट्स में भी डिस्कवर हुए, तो इनको हम बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स का काम भी फॉरेन एंटीजेंस को रिकग्नाइज करना होता है, लेकिन ये डायरेक्टली खुद से जो फॉरेन एंटीजेंस हैं उनको रिमूव नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं कि जब ये किसी फॉरेन एंटीजन को रिकग्नाइज कर लेते हैं तो ये बड़ी तेजी से डिवाइड करते हैं और डिवीजन के नतीजे में प्लाज्मा सेल के क्लोन्स बनाते हैं, काफी सारे प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और ये प्लाज्मा सेल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में फिर हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये एंटीबॉडीज जाके उस फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस के साथ जुड़ जाती हैं और फिर उसकी वजह से मैक्रोफेजेस जाके उनको खा लेते हैं। तो इस तरह से ये बी लिम्फोसाइट्स इनडायरेक्टली एंटीबॉडीज के जरिए से फेगोसाइटोसिस करवाते हैं बैक्टीरिया या वायरसेस की, या अगर वो बैक्टीरिया या वायरस कोई टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस टॉक्सिन की न्यूट्रलाइजेशन का काम करते हैं। और इस तरह के इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स को जो बेसिकली प्लाज्मा प्रोटीन्स के जरिए से होता है, तो इसको हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। ह्यूमर का मतलब यहाँ पे बेसिकली लिक्विड है, तो क्योंकि ये लिक्विड प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज डिजॉल्व होती हैं, तो इस वजह से बी लिम्फोसाइट्स से होने वाले इम्यून रिस्पॉन्स को हम ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। अब हमें ये क्लियर हो गया है कि इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, तो इम्यून सिस्टम के काम की एक बहुत अच्छी एग्जांपल जो है वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन का हम वर्ड पहले भी दो तीन जगहों पे चैप्टर नंबर 1 में, चैप्टर नंबर 5 में और 6 में पहले पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा था कि वैक्सीनेशन के दौरान में किल्ड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है और उसकी वजह से बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो जाती है और वो पहचान जाती है कि ये चीज़ ये फॉरेन एंटीजन एंटर हुआ है और उसके खिलाफ फिर वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स जो है वो लॉन्च कर देती है। अब एक दफ़ा अगर हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाएं तो वो फिर जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो सारी जिंदगी वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो इसकी वजह से अगर दोबारा कभी वो वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में दाखिल होता है तो हमारी बॉडी उसको बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा इफेक्टिवली फाइट कर सकती है। तो ये प्रोसेस जो है डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिनके ऊपर एंटीजेंस मौजूद हों लेकिन बीमारियां काज करने के काबिल ना हो और एंटीजेंस की वजह से वो बॉडी में जाके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवा सकते हो, तो इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन कहते हैं। और अगर ज़िंदगी में कभी बाद में दोबारा इन्फेक्शन हो तो क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होंगी तो उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को की फेगोसाइटोसिस हो जाएगी इससे पहले कि वो वायरस या बैक्टीरिया हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। इस तरह से हम जो है पूरी ज़िंदगी के लिए उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ दोबारा से इम्यूनाइज हो चुके होंगे, इम्यून हो जाएंगे और दोबारा हमें वो बीमारी आमतौर पे नहीं होती। बहुत सारी बीमारियों के ख़िलाफ़ हम वैक्सीन जो हैं वो डेवलप कर चुके हैं, मिसाल के तौर पे पोलियो, स्मॉल पॉक्स, मीज़ल्स, मम्स और हेपेटाइटिस बी वगैरह के ख़िलाफ़ वैक्सीन अवेलेबल हैं। और ये वैक्सीन जब एक दफ़ा आप लगा लें तो आइंदा जब ये लाइव वायरस आपको लाइव वायरस या बैक्टीरिया आपको इन्फेक्ट करता है तो आपको डिजीज नहीं होती। अब इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं तो इम्यूनिटी की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं। पहली किस्म की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं और दूसरी किस्म की इम्यूनिटी को पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली वही है जो हम अब तक स्टडी कर चुके हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस एंटर हुआ, कोई नेचुरली अकरिंग बैक्टीरिया या वायरस था, या आपने वीक करके या किल करके कोई बैक्टीरिया या वायरस वैक्सीन की फॉर्म में एंटर कर दिया तो उसके नतीजे में आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है और आप उस बीमारी के खिलाफ इम्यून हो जाते हैं।
इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं कि आपकी अपनी बॉडी खुद ब खुद इम्यूनिटी जनरेट कर रही है। अब ये इम्यूनिटी दो तरह की हो सकती है, आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी हो सकती है कि आप मसलन आप वैक्सीन के जरिए से वो इम्यूनिटी जनरेट करवा रहे हैं, आप जानबूझ के आपने बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर दाखिल किए हैं, और या फिर नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी हो सकती है कि कोई लाइव वायरस आपकी बॉडी में या कोई लाइव बैक्टीरियम आपकी बॉडी में एंटर हो गए थे और उसकी वजह से आपकी बॉडी बीमार हुई, लेकिन आपकी बॉडी ने उस बैक्टीरिया या वायरस को अल्टीमेटली रिमूव कर दिया, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी आएगी वो नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी होगी कि आइंदा अगर वो बैक्टीरिया या वायरस दोबारा दाखिल होने की कोशिश करेगा तो आपकी बॉडी उसको फाइट कर लेगी। इसके अलावा इम्यूनिटी की एक और टाइप जो है पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। इसके अंदर बेसिकली आपकी बॉडी डायरेक्टली इम्यूनाइज नहीं हुई होती, बल्कि आप क्या करते हैं कि वक्ती तौर पे किसी इन्फेक्शन से बचने के लिए आप सिर्फ एंटीबॉडीज लेके आप अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेते हैं, और उन एंटीबॉडीज की वजह से ये एंटीबॉडीज आपने किसी दूसरे सोर्स के अंदर प्रोड्यूस करवाई होंगी, मसलन किसी और ह्यूमन से लेके आपने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया है, वो दूसरा ह्यूमन जो है वो उस बीमारी से इम्यून था तो उसकी एंटीबॉडीज आपने ले ली हैं, या फिर किसी और एनिमल में मिसाल के तौर पे गोट में या हॉर्स के अंदर आपने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करवाई हैं और उसकी वजह से अब आप वक्ती तौर पे इम्यून हो गए हैं। जितनी देर तक आपकी बॉडी के अंदर वो एंटीबॉडीज रहेंगी आप उस बीमारी से बचे रहेंगे, और उसकी वजह से आमतौर पे ये पैसिव इम्यूनिटी को इस्तेमाल किया जाता है कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए टॉक्सिन्स या वेनम्स के खिलाफ। मिसाल के तौर पे जब आपका एक्सीडेंट हो जाए, आप सड़क पे गिर जाएं, तो खदशा होता है कि टेटनस का बैक्टीरियम आपकी बॉडी के अंदर दाखिल ना हो गया हो, या कुत्ते वगैरह के काटने से रेबीज का वायरस आपकी बॉडी में दाखिल हो जाता है, तो उस सूरत में आपकी बॉडी के अंदर हॉर्स से एंटीबॉडीज लेके वो इंजेक्ट कर दी जाती हैं कि वायरस आपकी बॉडी में पहुंच गया है, अब आपका इम्यून सिस्टम उस वायरस को डिटेक्ट करे और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाए तो उसमें 5-6 दिन लग जाएंगे, और तब तक ये टेटनस या रेबीज का वायरस काफी नुकसान कर चुका होगा, तो उससे बचने के लिए ये हॉर्स से एंटीबॉडीज प्रिपेयर करवा के हमने पहले से रखी हुई होती हैं और वो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती हैं ताकि वो टेटनस या रेबीज के वायरस के साथ जाके जुड़ जाएं। अब उन एंटीबॉडीज के अंदर क्योंकि कांस्टेंट रीजन सेम होता है तो वो आपके जो वाइट ब्लड सेल्स हैं स्पेशली फेगोसाइट्स हैं तो मैक्रोफेजेस हैं तो वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसके साथ एंटीबॉडी जुड़ी हुई है और वो जाके उसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरह स्नेक बाइट के केस में अगर सांप काट ले तो उसका वेनम के खिलाफ हमने एंटीबॉडीज तैयार करके पहले से रखी होती हैं और वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दी जाती हैं। तो ये बेसिकली ये जो इम्यूनिटी है ये एंटी सीरा के जरिए से होती है, यानी कि हमने उस हॉर्स से सीरम लेके जिसके अंदर एंटीबॉडीज मौजूद थी वो सीरम लेके आप अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं जरूरत के वक्त, तो ये एंटी सीरा के जरिए से इम्यूनिटी होती है और इसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यून सिस्टम के हवाले से एक जो बहुत ही नोटोरियस किस्म का वायरस है वो एड्स वायरस है। एड्स हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम को, जो कि होता है एक स्पेशल वायरस की वजह से जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो है ये ह्यूमंस के अंदर इम्यूनो डेफिशिएंसी काज करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। ये जो वायरस है ये जाके स्पेशली हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इस इन्फेक्शन की वजह से अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाता है। अब जब इम्यून सिस्टम फेल हो गया है तो इम्यून सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन ये था कि जो भी बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है उसको रिमूव करना है, तो अब क्या होगा कि इम्यून सिस्टम है नहीं, बॉडी के अपने डिफेंडर्स अपनी फौज मौजूद है नहीं, तो कोई भी बाहर से आएगा और अटैक करेगा, और इवन जो पहले अटैक करने से डरते थे वो भी अब अटैक करेंगे और आपको मजीद बीमार करेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया जो नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर कोई प्रॉब्लम काज नहीं करते, एड्स के केस में वो भी प्रॉब्लम काज करना शुरू कर देते हैं और उनकी वजह से फेटल इलनेसेस हो सकती हैं।
एड्स जो है वो आपको पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या सेक्सुअल कांटेक्ट से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक फैल सकता है, और ये क्योंकि इम्यून सिस्टम को वीक करता है इस वजह से हम यहाँ पे इसको दोबारा पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है इम्यूनिटी को, और इम्यूनिटी बेसिकली बॉडी की वो सलाहियत है कि एक दफ़ा बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर हो जाए तो बॉडी उनको पहचान के उनके खिलाफ रिएक्शन करती है और उनको क्लियर करने का काम करती है। और इम्यूनिटी दो तरीके से हो सकती है, या तो एंटीबॉडीज के जरिए से हो सकती है जो कि एक स्पेशल प्रोटीन्स हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती हैं, और या फिर इम्यूनिटी होती है लिम्फोसाइट्स की दो स्पेशल टाइप्स जिनको हम बी और टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनके जरिए से बॉडी इम्यूनिटी जनरेट करती है। इम्यूनिटी का फायदा हमें खास तौर पे तब होता है जब हम मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं। वैक्सीनेशन में हम बैक्टीरिया या वायरसेस को किल्ड या वीक फॉर्म में अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं और हमारी बॉडी उनके खिलाफ इम्यून हो जाती है। नेक्स्ट टाइम अगर कभी जिंदगी में लाइव वायरस या बैक्टीरियम से पाला पड़े तो बॉडी उसको पहचान जाती है, और इससे पहले कि वो बैक्टीरिया या वायरस हमें बीमार कर सके वो इम्यून सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली उसको टैकल कर लेता है। इसके अलावा आज के लेक्चर में हमने इम्यूनिटी की टाइप्स पढ़ी। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी के दौरान हमारी बॉडी खुद से किसी बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ कंप्लीट इम्यून सिस्टम का एक्शन लॉन्च करती है, उसके मुकाबले में पैसिव इम्यूनिटी के अंदर हम बैक्टीरिया या वायरस या वेनम वगैरह से बचने के लिए, सांप के जहर से बचने के लिए एंटीबॉडीज किसी और ऑर्गेनिज्म से लेके अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं और वक्ती तौर पे उस बैक्टीरिया या वेनम से बच जाते हैं। थैंक यू।